नमस्ते एंड वेलकम टू अभी एंड माँ। कटहल के मसाले वाली सब्जी तो आप सभी लोग अपने घर में बनाते होंगे, और अभी कटहल का सीज़न भी है, गर्मियों में मिलती है। सो मैंने थोड़ा सा हेल्दी वर्जन ट्राई किया है। सिर्फ 2 टेबल स्पून में मैं 2 किलो कटहल बनाने वाली हूँ, और इसको बनाने के लिए मैं यहाँ पे कोई गरम मसाला यूज़ नहीं करूँगी, कच्चे खड़े मसाले यूज़ करूँगी जैसे मेरी मम्मी ये बनाती हैं, बट उसमें तेल ज़्यादा होता है। मैंने तेल बहुत कम लिया है, तो आई होप आप सब इन्जॉय करेंगे ये रेसिपी को। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक कटहल ली है, 2 किलो है ये, 2 से ज़्यादा वेट है 2 किलो से। इसको मैंने कट कर ली है, और कट करने के लिए मैंने हाथ में सरसों का तेल लगाया था और नाइफ़ में भी, जिससे इसका वो चिपचिप ना लगे ज़्यादा। और इसको कटहल को काट के धुल लेना है, और उसको बॉईल करने के लिए रख देना है मीडियम फ्लेम में 20 मिनट। और बॉईल करते टाइम कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ पानी और थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। इसके बाद यहाँ पे कुछ चॉपिंग करनी है। यहाँ पे मैं अदरक लहसुन और प्याज को चॉप कर लूँगी। अब मैं मसाले यूज़ कर रही हूँ। सो जीरा मैंने लिया है 1 टेबल स्पून, शाही जीरा लिया है 1/2 टेबल स्पून, इसके साथ काली मिर्च ली है 1 टीस्पून, लौंग लिया है 5-6, और यहाँ पे दालचीनी के कुछ टुकड़े लिए हैं, जावित्री ली है यहाँ पे 2, छबीला लिया है 1 टीस्पून के करीब, और इलायची लेना है आपको 5 से 6। इसकी जगह आप काले वाले जो डोड़ा आता है बड़ी इलायची, वो भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ मैंने 8-10 लहसुन ली है, और 2 इंच के करीब अदरक, और 3-4 यहाँ पे तेज पत्ते लिए हैं, इनको भी तोड़ के मिक्सी में डाल लेना है। इसके साथ इसमें प्याज डाल दूंगी, जो भी काटे थे मैंने 5 मीडियम साइज के प्याज, उनको डाल के थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से पीस लेना है, पेस्ट बना लेना है। अब यहाँ पे मैं कढ़ाही में 2 टेबल स्पून ऑयल ले रही हूँ, आप देख लो, ये सरसों का तेल है, मस्टर्ड ऑयल, और इसको अच्छा से गरम कर लेंगे। और गरम होने के बाद जो पेस्ट बनाया था मसालों का, इसको डाल देंगे, और इसको अच्छे से भूनना है। और पहले आप हाई फ्लेम में रखें, और ये पेस्ट डालने के बाद फ्लेम को मीडियम कर लें, मीडियम टू हाई फ्लेम में इसको आप चलाते रहिए, और इसको अच्छे से भून लीजिए। यहाँ पे मैंने 5-6 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, उसकी प्योरी बना के रख ली है, और इस मसाले को हमको पकाना है जब तक कि इससे तेल अलग ना हो जाए, तो मीडियम फ्लेम में पकाएंगे। इसमें मैंने तेल कम डाला है, इसलिए ये नीचे से लग रहा है, तो मैं इसको साथ में ही चलाती जा रही हूँ जिससे ज़्यादा नीचे से जले नहीं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून डाल रही हूँ हल्दी, और यहाँ पर 2 टीस्पून डालेंगे धनिया पाउडर। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने इस टाइम पे फ्लेम को गैस का बिल्कुल लो में रखना है, अच्छे से मिक्स करना है इसको। ये मसालों को आपको 10 से 15 मिनट भूनना है मीडियम टू लो फ्लेम में। और यहाँ पे मसाले भून चुके हैं, तो अब मैं डाल दूँगी टोमेटो प्यूरे जो मैंने बना के रखी है पहले से। इसको डाल के फ्लेम को हाई कर देना है गैस का, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम लोग इसमें डाल देंगे 1.5 टीस्पून नमक। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। मैंने कटहल में भी नमक डाला है उबालते टाइम, इसलिए मैं थोड़ा कम डाल रही हूँ। आपको जैसा, जितना ज़्यादा कम खाना हो आप उसके अकॉर्डिंग डालो। और यहाँ पे फ्लेम को मीडियम कर देंगे, और इसको ढक के रख देंगे। इसको 10 मिनट के करीब हमको पकाना है, जब तक तेल अलग ना हो जाए ग्रेवी से हमारे। और इसको बीच बीच में आप खोल के चलाते रहिए। ये देख सकते हो आप, साइड साइड में तेल अलग हो रहा है, और ज़्यादा तेल भी नहीं दिख रहा है, बहुत कम तेल में बहुत सारी कटहल में बना रही हूँ आज। सो इसको अच्छे से बस चलाते जाना है, बार बार मिक्स करना है। और ये कटहल बॉईल करके रख ली थी मैंने पहले से, इसका पानी फेंक दिया है और कटहल छान के रख ली है। अब इसको भी ऐड कर देंगे मसालों में, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद हम लोग इसमें हल्का गरम पानी डालेंगे,
आप ठंडा पानी भी यूज़ कर सकते हो, बट गर्म पानी से कुकिंग फास्ट हो जाती है, इसलिए मैं गर्म पानी यूज़ कर रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको ढक के हमको पकाना है 15 से 20 मिनट मीडियम फ्लेम पे। तो इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर लीजिए और उसके बाद इसको ढक दीजिए। इसमें थोड़ा सा पानी कम लग रहा है तो मैं इसमें पानी और डाल रही हूँ, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद गाढ़ी हो जाती है और अभी पकने में भी थोड़ी गाढ़ी होगी, इसलिए थोड़ा और पानी डाल के इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। बस इसको ढक दिया है और 20 मिनट के लिए पकाना है, 15-20 मिनट मीडियम फ्लेम में। बीच बीच में चलाते रहना है इसको और अच्छा सा उबाल आ गया है तो इसको फिर से ढक दूंगी मैं अभी मीडियम करके फ्लेम। ये कटहल पक चुकी है और ये थोड़ा गाढ़ी भी हो गई है। बस अब फ्लेम बंद कर दिया है और सब्जी रेडी हो चुकी है हमारी। आप इसको राइस या पराठे रोटी के साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगेगी। आप लोग बहुत कम तेल यूज़ करके भी मसाले की सब्जी बना सकते हैं और ये टेस्ट में कहीं से कम नहीं लगती है। एक बार ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करिए और मुझे बताइए कैसा लगा इसका टेस्ट। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।